नमस्कार, खासखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्वल गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। जयपुर में शहीदों की वीरांगनाओं से बदसलूकी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं का पुलिस पर पथराव। धक्का मुक्की में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया व विधायक मदन दिलावर के लगी चोट, 2.5 घंटे बाद दी गिरफ्तारी। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की CM अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर में एंट्री, जनसंपर्क किया, बोले चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जयपुर में छात्रा से दोस्ती कर किया रेप व बनाए अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर 1 लाख की डिमांड, शिवदासपुरा थाने में दर्ज हुआ केस। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में तेजस्वी ने CBI से मांगा और समय, पत्नी की सेहत का दिया हवाला। दिल्ली आपका नीति मामले में ED ने के कविता व अरुण पिल्लई को कराया आमने सामने। नीतीश कुमार का केंद्र सरकार पर हमला, कहा मैं महागठबंधन का हिस्सा हूं, इसलिए लालू के परिवार पर ED का छापा। ED ने लालू के परिवार व सहयोगी के यहां छापेमारी में 53 लाख रुपए, 540 ग्राम सोना, 1900 अमेरिकी डॉलर किए जब्त। दिल्ली में होली पर रंग लगाने के बहाने जापानी महिला से छेड़छाड़, 3 युवक गिरफ्तार। एयर एशिया के विमान में तकनीकी खराबी के बाद बेंगलुरु में आपात लैंडिंग। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव ने G20 फ्लोर फेस्टिवल का किया उद्घाटन। मुश्किलों में घिरे इमरान खान, गिरफ्तारी से बचने के लिए पड़ोसी के घर में कूद गए इमरान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने एक रैली में कहा चुनाव जरूर होंगे लेकिन पहले हिसाब बराबर किया जाएगा। लंदन स्थित सैटेलाइट ऑपरेटर कंपनी OneWeb ग्लोबल इंटरनेट को विकसित करने के करीब पहुंच गई है। इस सप्ताह कंपनी ने 40 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजे। चीन की संसद ने की राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी ली कियांग को अगला प्रधानमंत्री बनाए जाने की पुष्टि। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल प्ले स्टोर पर जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करें और खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com को लॉगिन करें। धन्यवाद।